ये जी मून रेस्टोरेंट, ये ओपन है इस टाइम, ठीक है, खाना खाने के लिए काफ़ी ज़बरदस्त अंडर होटल है, हर चीज़ इनके पास अवेलेबल है। ये कोई 5 मंजिला होटल बन रहा है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को खाना हम लोगों ने ऑर्डर किया है, जब खाना आएगा आपको दिखाएंगे अंदर बैठ के। ये अभी बाहर का सीन चेक करिए, आपको ड्रोन सीन भी दिखाते हैं नारान के। ये है जी नारान में मून रेस्टोरेंट, ठीक है, काफ़ी ज़बरदस्त होटल है, ठीक है। तो ये चेक करें ज़रा, मून रेस्टोरेंट, ये बेसर वाली दूसरी उनकी पॉइंट है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने मंगवाया जी, चिकन टिक्का पीस है, बोनलेस हांडी है, ये बिरयानी है चिकन, ठीक है, तो काफ़ी मज़े का टेस्ट है। तो अभी हम लोग जा रहे लेंगे जी नारान से आगे, ठीक है, बाबू सर की तरफ। तो देखते हैं रास्ता कहाँ तक खुला है, तो वहाँ तक जाएंगे। मून रेस्टोरेंट का खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मज़े का था, हर चीज़ इनके पास अवेलेबल थी। सिर्फ अभी तक यहाँ वापडा की बिजली नहीं आई, बाकी जनरेटर वगैरह ये चला के रखते हैं, सारा कुछ जनरेटर में चल रहा है, ठीक है। जितने भी लोग सब तैयारियां कर रहे हैं, अपने होटल को पेंट कर रहे हैं, रेनोवेशन कर रहे हैं, हर चीज़ हो रही है। ये लालाजार होटल है जी, अभी नहीं खुला, लास्ट टाइम हम लोग इस होटल में रुके थे, बस ये ठीक ही था होटल, लेकिन इस बार जो मिला वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सामने देखें जी कैसा ही जबरदस्त और खूबसूरत पहाड़ है, ये सब वे भी अभी बंद है जी। नारान तो है, सफर मुल्क तो पानी आ रहा है। अच्छा बटा कुंडी है जी 14 किलोमीटर, तो देखते हैं जी कितनी आगे तक हम लोग जा सकते हैं, कहां तक रास्ते खुले हैं, मशीनें लगी हुई हैं। ये किसका बैलून है, ये किसी का बैलून है, ये ग्लेशियर, ओए बुरो वो जो घुमा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये, बहुत ही कमाल के नज़ारे हैं जी इस साइड में।
ये देखिए जी, पहला ग्लेशियर ये है, ये काटा हुआ है इन्होंने, ठीक है। ये भी काफ़ी बड़ा ग्लेशियर है, लेकिन ये है कि काट लिया इन्होंने आराम से उनसे। अगर आप लोग इस वीक आते हैं या फिर नेक्स्ट वीक आते हैं तो ये आप लोगों को ग्लेशियर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये ग्लेशियर ख़त्म होते सारी दूसरा ग्लेशियर आ जाता है, ठीक है। इस टाइम नारायण में रश नहीं है, ये बड़े मज़े की बात है और सुकून माहौल है इधर का। ये नहीं है कि लोग नहीं हैं, लोग भी हैं, होटल भी खुले हुए हैं, खाना पीना भी आपको मिल सकता है, कोई मसला नहीं है, हर चीज़ अवेलेबल है। तो ये देखिए दूसरा ग्लेशियर है, ये छोटा सा ही है, छोटा सा नहीं बड़ा बड़ा है, नहीं ये छोटा सा था। अब आगे जो आएगा वो भी दिखाएंगे, लेकिन ये सामने वाले सीन चेक करें कितने प्यारे हैं। तो अभी हम लोग आगे आए हैं वहाँ से थोड़ा सा, तो ये एक सीन नज़र आया, तो यहाँ हम लोग रुकने लगते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ से स्पर्ट वैली का रास्ता जाता है, ठीक है। तो ये देखिए आप सीन देखिए, कैसे खूबसूरत सीन है, क्या ज़बरदस्त नज़ारे हैं। ये दरिया कुनहार चेक करें आप, बड़े आराम सुकून से बह रहे हैं दरिया कुनहार। ये मेरी गाड़ी है, तो ये जी आखिरी सीन मेरे ख्याल से, ठीक है। वो देखिए ग्लेशियर, इतने इतने बड़े ग्लेशियर हैं कोई अंदाज़ा ही नहीं। आपको आगे जाके दिखाते हैं, यहाँ से ज़रा ये दरख्त गिरा हुआ ये देखें। तो ये देखिए सीन, ये आप लोगों को मैं ड्रोन का सीन दिखाता हूँ, काफ़ी ज़बरदस्त है ये। ये ग्लेशियर जो है, ये जी इसकी कटिंग हो रही है, ठीक है। ग्लेशियर बहुत बड़ा है जी, बहुत बड़ा ग्लेशियर है, इसकी कटिंग हो चुकी है। ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, ठीक है, क्योंकि आगे ये देखिए गाड़ी शायद फंसी हुई है, ठीक है। इसलिए मैं आगे नहीं जा रहा, पैदल जाऊंगा, अब ये ड्रोन उड़ाते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जी यहाँ, ये देखें बच्चे खेल रहे हैं। तो ये देखिए जी, लोग ग्लेशियर को एंजॉय करते हुए, ये देखें ज़रा लोग स्लाइड बनाई हुई है सब लोगों ने, ये देखें ज़रा। और ड्रोन में वो उधर तक लेके गया था, वहाँ जाके इसके सिग्नल लॉस हो गया, ये फिर बैक टू रिटर्न आ जाता है, फिर जहाँ से उड़ाते वहीं आ जाता है। लेकिन ये क्या, जैसे पास आया तो मैंने सिग्नल कंट्रोल कर लिए थे, तो फिर मैंने उड़ाया नहीं, क्योंकि यहाँ थोड़ा से सिग्नल भी कम आ रहे थे इसके, ठीक है। तो पानी यहाँ बहुत ज़्यादा आ गया और गाड़ियों में दो तीन फंसी हुई, इसलिए मैं आगे ही नहीं गया, तो बेहतर है मैं आगे नहीं गया, इसलिए गाड़ी पीछे लगा दिया। तो ये देखिए ज़रा यहाँ कितनी ही बर्फ़ पड़ी हुई है, ये आप लोग चेक करें, क्या ही खूबसूरत नज़ारा है, क्या ही ज़बरदस्त सीन है। ये यहाँ आप लोग एक ग्लेशियर की कटिंग हो रही है जी, ठीक है,
तकरीबन 3-4 किलोमीटर नरान से आप आगे आ सकते हैं। और यहाँ इतनी ठंडी हवा चल रही है ग्लेशियर की वजह से सर्दी लगने लगी है। मजे की थोड़ी कच्ची कच्ची है ना अभी तो ज्यादा सही है। ये जी ग्लेशियर ग्लेशियर के ऊपर चल रहे हैं हम लोग। फिसला नहीं है क्योंकि ये ऊपर घास वगैरह इसलिए फिसला नहीं हो रही है। ये ग्लेशियर काफी ज्यादा ही बड़ा है ठीक है और ठंड बहुत ज्यादा बड़ा ग्लेशियर यार वहां से आ रहा है। इसकी वजह से आवाज आ रही है ठंडी हवा और मतलब इसकी मजीद बढ़ती जा रही है सर्दी है। फट गया कुछ नीचे से पत्थर लगे कुछ फट गया उनका।